अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप ठीक से होंगे, अच्छे से होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। तो चलते हैं अपने काम की तरफ। तो आप अपनी किताब में बुक्स खोलेंगे पेज नंबर 54 पर, पैरा नंबर सेकंड। लेट्स स्टार्ट। लोकल शॉपकीपर्स or vendors sell the wool taken from the goats to women who sort the fleece before spinning it on a spinning wheel. तो कल तक हमने शाल के बारे में कुछ पढ़ा था, ये कहाँ से आया, कैसे हुआ कश्मीर में ये। तो आज हम पढ़ेंगे इसके आगे कि लोकल शॉपकीपर्स जो होते हैं, यानी लोकल ये दुकानदार या ये वूल बेचने वाले, ये वूल गोट से हासिल करते हैं, फिर इसी वूल को औरतों को देते हैं ताकि वो इस वूल को स्टार्ट आउट करें, तरतीब दें कातने से पहले। द सुपीरियर क्वालिटी थ्रेड इज रिजर्वड फॉर द वॉब एंड द कोर्सर थ्रेड फॉर द वेफ्ट। तो औरतें क्या करती हैं, ये इस वूल को काटती है, फिर जो इसमें से धागा निकलता है उसकी जो सुपीरियर क्वालिटी होती है उस धागे को वो रिजर्व रखती हैं वेब के लिए, और जो दूसरी किस्म का धागा निकलता है कोर्सर थ्रेड तो उसको वेफ्ट के लिए रखती हैं। द फाइनर एंड सॉफ्टर द थ्रेड्स आर द बेटर मनी यू कैन गेट। तो जितना अच्छा और नरम धागा होगा उतना ही अच्छा आपको पैसा मिलेगा। कश्मीरी वीवर्स ऑलवेज यूज हॉरिजॉन्टल लूम्स 2 or 3 सिट टुगेदर एट द सेम लूम। तो कश्मीरी शाल वीवर्स जो होते हैं वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लूम्स का इस्तेमाल करते हैं शाल बुनने के लिए। तो उस लूम पर 2 या 3 लोग बैठते हैं। द विमेन प्रिपेयर द वॉप्स बाय डबलिंग द थ्रेड। तो औरतें जो होती हैं वो इन दागों को डबल करती है, दुगना करती है ताकि वो उसे वॉप बना सके। द डिजाइनर कार्ल नकाश डिसाइड द पैटर्न। तो उसके बाद डिजाइनर जो नकाश होता है वो शाल के लिए डिजाइन डिसाइड करता है, पैटर्न डिसाइड करता है। द कलर कॉलर और तारा गुरु रीड्स द डिजाइन फ्रॉम द बॉटम अपवर्ड्स एंड कॉल्स आउट ईच कलर इन टर्न टुगेदर विद द नंबर ऑफ वॉप थ्रेड्स अंडर विच द बॉबिन ऑफ द वेफ्ट हैज टू पास। तो उसके बाद तारा गुरु या कलर कलर जिसे बोलते हैं वो उस डिजाइन को नीचे से ऊपर तक पढ़ता है। वो ये पढ़ता है कि हमें कितनी वापस में से वेफ्ट को निकालना है। अ पैटर्न मास्टर कॉल्ड द तालीम गुरु राइट्स दीज इंस्ट्रक्शंस डाउन यूजिंग द ट्रेडिशनल साइंस और शॉल अल्फाबेट। तो उसके बाद पैटर्न मास्टर से हम तालीम गुरु भी कहते हैं, वो इस इंस्ट्रक्शन को लिख देता है या शॉल अल्फाबेट्स को। द वीवर्स कीप दिस ट्रांसक्रिप्शन कॉल्ड द तालीम इन फ्रंट ऑफ देम एज दे वर्क एट द लूम। तब जो वीवर्स होते हैं, शाल बुनने वाले होते हैं, वो इस ट्रांसक्रिप्शन को अपने सामने रखते हैं जब वो काम कर रहे होते हैं। द मोटिफ्स डिजाइन ड्रॉन ऑन द शॉल्स आर एज डाइवर्स एज द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कश्मीर। तो शाल का डिजाइन जो होता है, जो शाल का डिजाइन निकाला जाता है वो उतना अच्छा होता है जितनी कश्मीर की खूबसूरती है। बोथ मैन एंड वीमेन वर्क ऑन द पैटर्न्स इन देयर होम्स। तो दोनों यानी मर्द और औरतें दोनों काम करते हैं उन पैटर्न्स पर अपने अपने घरों में। द नकाश वर्क्स आउट द पैटर्न्स। तो नकाश जो होता है वो पैटर्न पर काम करता है। द मोस्ट पॉपुलर डिजाइन इज द डेकोरेटिव बॉर्डर एट बोथ एंड्स ऑफ द शाल। तो शाल में से सबसे ज्यादा डेकोरेटिव पार्ट जो होता है वो उसका बॉर्डर होता है शाल का।
The design is worked evenly on both sides. तो ये डिजाइन शाल के दोनों साइड्स में से निकाला जाता है. द पश्मीना शाल आर टू काइंड्स. तो पश्मीना शाल की दो काइंड्स होते हैं, दो किस्में. द लूम शाल वोवन एंटायरली ऑन द लूम. एक होता है पश्मीना शाल, वो पूरी तरह से लूम पर ही बनता है, यानी सारे का सारा शाल. एंड द शाल विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड पैटर्न. और दूसरी किस्म का शाल जो है वो है एम्ब्रॉयडर्ड पैटर्न का होता है. द वर्ल्ड फेमस रिंग शाल इज एन एक्सक्यूजिट एंड फाइन फैब्रिक दैट कैन पास थ्रू ए रिंग. तो दुनिया भर का मशहूर शाल जो है उसे कहते हैं रिंग शाल. यानी ये वो ऐसा फैब्रिक है, एक ऐसा अच्छा फैब्रिक, एक अच्छा ऐसा मटीरियल है उसमें कि ये शाल एक अंगूठी में से गुजर सकता है. हाई इन द प्लेटू ऑफ तिब्बत एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 5,000 meters रोम द तिब्बतन एंटीलोप पैंथलोप्स हॉगसनी. तो तिब्बत और लद्दाख के ईस्टर्न प्लेटूज पर जो ये तिब्बतियन एंटीलोप्स रहते हैं, ड्यूरिंग ग्रेजिंग अ फ्यू स्ट्रैंड्स ऑफ द टाउनी हियर फ्रॉम द थ्रोट आर शेड विच आर पेनस्टेकिंगली कलेक्टेड बाय द नोमैड्स एंड फाइनली सप्लाइड टू द कश्मीरी शाल मेकर्स एज शातोश. तो घास चरने के दौरान उनके गले से जो ऊन निकलता है, जो बाल निकलते हैं, तो नोमैड्स जो होते हैं खानाबदोश लोग, वो बहुत मेहनत के साथ उस ऊन को हासिल करते हैं और उसके बाद कश्मीरी शाल मेकर उसको वो सप्लाई करते हैं, जिसे शहतूश कहा जाता है. द शहतूश शाल मेड फ्रॉम द फ्लीस कॉल्ड तोसा इन कश्मीर ऑफ द तिब्बतियन एंटीलोप. तो जो इस तिब्बतियन एंटीलोप से जो वूल हासिल किया जाता है उसी को शहतूश या तोसा, कश्मीरी में उसे तोसा कहते हैं. Tibetan antelope chiru is a real fabric now. तो Tibetan antelope जो है उसे चीरू भी कहा जाता है. ये बहुत खास किस्म का फैब्रिक है. Another rare and sophisticated shawl is a jhamawar shawl. एक और अच्छा शाल जो है sophisticated, वो खास किस्म का है, उसे jhamawar shawl कहते हैं. In this, the warp and weft threads are dyed before weaving according to a design. तो इस किस्म का शाल जो है उसमें जो वार्प और वेफ्ट होते हैं वो वीविंग से पहले डाई किए जाते हैं, यानी वो रंगे जाते हैं. डिजाइन में ही उसके धागे रंगे जाते हैं, किसमें? जमावर शाल में. तो आज के लिए बेटा इतना ही. बाकी शुक्रिया.